तो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का नीट का रिजल्ट्स आ गया है और ये रिजल्ट्स को लेके काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंट है। एनटीए जैसे एग्ज़ाम करवाया और जिस तरीके से रिजल्ट्स निकाल रहे हैं उस हिसाब से ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एनटीए के लिए, तो शायद कुछ गड़बड़ी हो सकता है जो बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है और हमारे मन में भी ये क्वेश्चंस ऑफ डाउट क्रिएट कर रहा है। ये डाउट क्या है? डाउट एक है कि कुछ बच्चों को 718 719 नंबर मिला है और नीट एनटीए का यही कहना है कि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन किया गया था, वो बच्चों को कम कुछ टाइम ऑफ लॉस हुआ है, मतलब एग्ज़ाम देने के टाइम पे उन लोगों को क्वेश्चन पेपर लेट में सप्लाई हुआ है या कुछ वजह से एग्ज़ाम डीले हुआ है। अरे डीले एग्ज़ाम हुआ था उसी में 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देते, वो इंस्ट्रक्शन तो था ही इनविजिलेटर्स को, और वो आप नहीं करके आप क्या करवाए? अभी ग्रेस मार्क्स, जो कि मैं इतना बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, ग्रेस मार्क्स ऐसे हो सकता है? वो मे बी वो 10 मिनट में या 20 मिनट के लिए आप 3 क्वेश्चंस का ग्रेस मार्क्स दे दिए, 12 मार्क्स दे दिए मे बी, और वो बच्चा जो 12 मार्क्स आप मिल गया वो क्वालिफाई कर गया, मान लो वो 12 मिनट मिल भी जाए उसको, वो 3 क्वेश्चन सही नहीं कर पाता है ना, तो उसके चलते आप उस वो शायद क्वालिफाई के अंदर आ जाएगा। तो वो क्वालिफाई कर लिया तो कल को बाकी जो बच्चे बॉर्डर लाइन में हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन में 680 670, उस बच्चों को 10-20 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया तो वो अंदर आ गए और कुछ बच्चे निकल जाएंगे फिर अंदर से, क्योंकि सीट तो कांस्टेंट है। अब कुछ बच्चों अंदर आ गए तो कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो ये कौन सा जस्टिफिकेशन है ग्रेस मार्क? दूसरा सवाल ये है, एक छोटा सा नोटिस आप ट्वीट कर देते हो कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन किए हैं, किस आधार से नॉर्मलाइजेशन किए हो, किस कितना टाइम्स के लिए कितना मार्क्स दिए हो, और वो बच्चों को क्या आप कितने मार्क्स का ग्रेस मिला है, ये सारे चीज़ आपको लिखना चाहिए था। वो बात आप क्यों इतना, जब 25-26 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, देश का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, डॉक्टर्स बनेंगे, फ्यूचर्स डॉक्टर्स बनेंगे, इस तरह का इतना बड़ा एग्ज़ाम के लिए आप कौन सा हिसाब से मार्क्स दे देते हो? पहले तो एक कंप्लेन चलता है कि नीट पेपर लीक हुआ था, उस पर आप क्लारिफिकेशन देते हो कि कुछ नहीं हुआ था, वो पोस्ट एग्ज़ाम हुआ था, कुछ बच्चे पहले से ही ज़बरदस्ती क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकल गए थे, वो बोलना था आपको एक सेंटर में हुआ था, ठीक है उसको मान भी लेते हैं, तो उसके तो समर वेकेशन के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, वो केस को हम छोड़ भी देते हैं। जो हमारे पास कुछ सोशल मीडिया में ये शेयर हो रहा है कि कंटिन्यूसली एक ही सेंटर से 8 जन टॉपर बना है, एक ही सीरियल नंबर के आसपास, मतलब वो एक ही सेंटर का होगा, तो एक सेंटर से रैंक 1 कैसे हो सकते हैं 8 जन? ये तो सब टॉपर बन गए 8 जन एक ही सेंटर से, ये भी क्वेश्चंस ऑफ डाउट है। ये भी आपको देखना है कि ये सच में सही कुछ हुआ है या गलत गड़बड़ी हुआ, लोग निकालेंगे इसको कौन सा सेंटर से ये हुआ था, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, और कुछ गड़बड़ी हुआ तो बच्चों का फ्यूचर के लिए नीट एग्ज़ाम री फिर से हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ वो सेंटर्स का एग्ज़ाम आप फिर से करवाओ बाकी बच्चों को असाइड करके। कल जब इतना जल्दी से आपका आंसर की आया और हड़बड़ी में रिजल्ट निकालने का क्या था, वेट कर लेते, सही से कैलकुलेशन कर लेते। कुछ बच्चों का कमेंट में दिख रहा था कि उन लोग को का आंसर की जो आप प्रोवाइड किए हो वो आंसर की के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब उन लोग को कम मार्क्स मिला है, जो आंसर की के हिसाब से मिलना चाहिए उतना मार्क्स भी नहीं मिला है, तो ये सारे चीज़ इतना बड़ा एग्ज़ाम जो होता है एनटीए को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे कि एनटीए उसका जस्टिफिकेशन दे और कितने बच्चों को ऐसे मिला है वो भी बताए, कि 2 बच्चों को ही मिला है या 50 बच्चों को ऐसे दिया गया या 100 बच्चों को दिया गया है, और कितना मार्क्स दिया गया है ग्रेस मार्क्स जो होना नहीं चाहिए। तो ये एनटीए ये सब क्लैरिफिकेशन जरूर करना चाहिए, ये नहीं तो ये एक बड़ा स्कैम हो सकता है, ये इतना बड़ा स्कैम क्या बोला जाए, और वो भी मेडिकल जैसा डॉक्टर जैसा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डॉक कोई भी एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए खैर, बट
ये एक नॉबल प्रोफेशन रहता है लोगों के लिए, कि एक डॉक्टर बनना है, सोसाइटी को सॉल्व करना है, तो उसमें कोई गलत आदमी जाके क्या डॉक्टर बनेगा पास करके? सही ब्रिलियंट स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट ना जाके दूसरा स्टूडेंट चला जाएगा, है ना? तो हम वही उम्मीद करेंगे सारे बच्चों के लिए जस्टिस हो और NTA इसको क्लैरिफाई करें और नेक्स्ट ईयर के लिए ज़रूर उसको ये सारे चीज़ को ध्यान दें। नमस्कार।